अवेयर इंडिया एजुकेटिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैथमेटिक्स का जो वन डे बिफोर मैंने अपलोड किया था एग्जाम, हालांकि देर हो गई थी, फिर भी उसमें से 40 out of 40 क्वेश्चंस बेसिक वालों के आए और स्टैंडर्ड के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। अभी इंग्लिश किया और अगला नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का है, हिंदी के बाद ही, तो मेरी कोशिश है कि इंग्लिश के भी कुछ, क्योंकि ग्रामर टॉपिक्स के पहले शॉर्टकट्स मैं करूँ वन डे बिफोर, मैं बीच में एक दिन पहले उसकी भी कोशिश करूँगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रामर में टेंसेस है, नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक जो भी, और जैसा कि आपको पता ही है कि शुरुआत में हमारे जो है रीडिंग सेक्शन में 18 आने हैं, जिसमें से 14 करने हैं, 12 आने हैं ग्रामर और राइटिंग सेक्शन कम्बाइंड है, यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 5 करने हैं, वैसे ही 2 होंगे तो 10 करने हैं, है ना, 5 और 5, यानी कि ग्रामर हमारा 10 मार्क्स का है राइटिंग के साथ, और टेक्स्ट बुक हमारा 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 26 करने हैं। अभी मैं डिटर्मिनर्स बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर में टेंस है, मोडल्स है, मोडल्स के बाद आपका डिटर्मिनर्स है ना, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड है, तो मेन जो चीजें हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीट होते हैं एग्जाम में, डिटर्मिनर्स भी टॉपिक कवर होने के साथ उसको भी मैं हाईलाइट करूंगा इस वीडियो के साथ, इसलिए आप देखते रहिए। सबसे पहले डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स का मतलब है फिक्सिंग वर्ड्स कहते हैं इसको, फिक्सिंग और फिक्स करने वाला, यानी कि नाउन के आगे लगता है पर उसको मॉडिफाई करता है, यू कहे तो डिटरमाइन करता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो एड करता है, जबकि ये डिटरमाइन करता है, ये डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि इसके 5 टाइप्स अलग अलग मैं कहूं तो सबसे पहला आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल में हमारे पास पहले 5 बता दूं मैं कि आर्टिकल है, ये मैंने एक प्रायोरिटी बेसिस पे मैंने इसको लिखा है, जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं वो आर्टिकल, सिर्फ क्वांटिटेटिव, फिर न्यूमरल्स, है ना, जैसे कि सम पे, मच पे, इधर मैनी पे, फ्यू पे, लिटिल पे, तो जो चीजें हैं इधर आर्टिकल में, एक एक क्वेश्चन 100, और अगर मैं 6 क्वेश्चन को कहूं कि अगर राइटिंग सेक्शन में 6 होने हैं और ग्रामर के 6 होने हैं, उसमें से भी आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच, जिसका नरेशन का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, लिंक में डाल भी दूंगा उसका मैं, तो इसमें जैसे कि आर्टिकल सबसे ज्यादा ए और एन, मैं केवल शॉर्टकट में बताऊं कि ए का मतलब है कंसोनेंट साउंड के आगे जो व्यंजन ध्वनि, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं बनाना, पी है ना, या हम कोई भी चीज कैट, ए कैट, ए रैट, ए मैट, तो ये क्या कंसोनेंट साउंड। एन जो है वोवेल साउंड, मैं साउंड वर्ड यू कह रहा हूं क्योंकि साउंड का मतलब ध्वनि के आधार पे, जैसे HN तो यू आर आर, है ना, हाफ एन आर, तो हम इसको अ कहते हैं ना कि हार कहते हैं, ह से नहीं उच्चारण है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर वोवेल साउंड है, खासकर एक चीज ट्रिक भी बताऊं, एच और यू है तो आप ध्यान रखिए, एच जो है एंड यू जो है, एच जो है ये सेमी वोवेल है लगभग, तो आप इसको ये मानकर चलिए कि एच का जो प्रोनंसिएशन है वो कई बार अ होता है, कई बार ह होता है, है ना, एच के बाद ओ आता है, तो जैसे ऑनेस्ट है, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति, तो हमें वहां पे एन लगाना है ना कि ए लगाना है, यानी कि इसका मतलब तो पता ही है, ए और एन का एक होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए, ए और वोवेल साउंड, यानी कि ए ई आई ओ यू, जो 5 वोवेल होते हैं इसका साउंड है, जैसे अ है, यू से अम्ब्रेला भी है और यू से यूनियन है, अब यूनियन में य की ध्वनि है, यूनिवर्सिटी, है ना, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी क्या है, य का उच्चारण है, तो इसलिए उसके आगे ए लगेगा, और द जो है विशेष में लगता है, जैसे द गंगा, ये अक्सर एक पेपर में इस बार भी होगा कि द का यूज, जैसे कि द अम्ब्रेला हम नहीं बोलेंगे, है ना, हम क्या बोलेंगे, द हिमालय, द गंगा, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज पेपर के नाम के आगे हमेशा द लगता है, है ना, ऐसे ही कोई विशेष की बात अगर मैं करने लग जाऊं कुछ स्टेट्स के आगे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, तो द लगता है। उसके अलावा भी अगर मैं जैसे कि पूरी की पूरी बिरादरी की बात करता हूं, जैसे द कैट अगर मैं कहूं तो वहां पे पूरी कैट की बात है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एक डॉग की बात नहीं हो रही है, तो वहां पे भी द लगता है। तो मेन इतना ही ध्यान रखिए पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, एन वोवेल साउंड के आगे, है ना, जैसे खासकर एच ओ यू आर आर अक्सर रिपीट होता है एग्जाम में, और द जो है विशेष के आगे। अगर मैं इसके बात करूं क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी, जिसको हम वजन कर सकते हैं, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, है ना, मात्रा वाली चीजें हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, तो क्वांटिटेटिव क्या होता है कि उसमें जो हमारे डिटरमिनेंट्स है, जैसे सम है, हालांकि आपको याद ये भी रखना है कि सम का यूज क्वांटिटेटिव में भी और इनडेफिनिट
न्यूमरल्स में भी होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं सम बॉयज सम गर्ल्स ये भी कहता हूँ, और दूसरा सम का यूज क्वांटिटेटिव। आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लिटिल सम मच मैनी, है ना। अगर मैं मच की बात करूं तो मच का मतलब ज्यादा, मैनी का मतलब भी ज्यादा, लेकिन मच का अपोजिट है लिटिल, थोड़ा, है ना। जैसे मच मनी यू हैव लिटिल मनी यू हैव। मनी जो है अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पेपर में भी अक्सर आता है ये कि मनी जो है इसका मतलब धन से है, ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, यानी कि काउंट नहीं कर सकते हम, इसके आगे मच या तो लिटिल आएगा। लिटिल, अब लिटिल में भी देखा जाए तो ए लिटिल द लिटिल, अगर ए लिटिल बिल्कुल नाम मात्र का है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो ए आ जाता है। और द का मतलब हाँ भी और ना भी, ऐसे द लिटिल की जगह द फ्यू और फ्यू और ए फ्यू, तीन होते हैं। लेकिन आपको इतने डेप्थ में नहीं जाना है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फ्यू, जैसे कहते हैं ना फ्यू बॉयज कुछ लड़के, है ना, सम बॉयज उसका मतलब ही कुछ लड़कों की बात हो रही है। तो जो चीज समझना है, मैनी का मतलब ज्यादा है, तो फ्यू का मतलब इसका अपोजिट है कम है, कम, फ्यू से फ्यूअर भी बन जाता है, लेस से लेसर भी बन जाता है। मच का मतलब ज्यादा है तो लिटिल का मतलब थोड़ा है। तो इस तरीके से भी आपको समझना है कि ज्यादातर पेपर में इसलिए ये रिपीट होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बता रहा हूं कि नेगेटिव अगर सेंटेंस है, नेगेटिव या क्वेश्चनिंग है, इंटरोगेटिव है, तो आप वहां एनी को देख लीजिए कि एनी तो नहीं आ रहा है ना, कि देयर इज नो एनीवन और देयर इज समवन। अगर पॉजिटिव सेंस आता है तो वहां पे आप सम को देखिए, पॉजिटिव सेंस में सम को देखिए, नेगेटिव सेंस में एनी एनी को देखिए। और मच का तो मैंने बताया ही, ज्यादा है, मैनी काउंटेबल है, जैसे कि बॉयज गर्ल्स बिजनेसमैन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वहां मैनी है। अब देखिए डेफिनेट न्यूमरल्स में हमारा क्या है, इधर मैंने बता दिया कि एनी का यूज, लिटिल का यूज, मच ज्यादा, मोर बॉयज मोर गर्ल्स। अब देखिए अगर इसके आगे देन लगा है ऑलरेडी टी एच एन, तो आप मोर लगाएंगे, है ना, कि मोर देन है ना, ठीक है। अब इसके बाद डेफिनेट में हमारे जो न्यूमरल्स है इसमें तीन तरह के हैं। डेफिनेट है जैसे हम काउंटिंग होती है 1 2 3 या फर्स्ट सेकेंड, ऐसे इनडेफिनेट में सम है, मैनी है, फ्यू है, ऑल है, सेवरल है। लेकिन हम ज्यादातर देखिए कि मैनी फ्यू सम, जो मैंने अब बता ही दिया इधर कि सम का मतलब कुछ, मैनी का मतलब ज्यादा और फ्यू का मतलब भी कुछ होता है। कहते हैं ना कि कोई, एनी का मतलब कोई, एनी का मतलब कोई। तो ये पॉजिटिव सेंस में ये ज्यादा है ना, और फ्यू वाइज ये सब, जैसे कि हम दो चीजों को देखिए, काउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स। मैंने पहले कहा था कि नाउन के आगे लगता है, उसको मॉडिफाई करता है, डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहली चीज है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, है ना। और सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए सिंगुलर का मतलब एक वचन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हो, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ अ रिकवरी, देयर इज अ लिटिल होप, होप का मतलब है उम्मीद, आशा। अब देखा जाए तो ये सिंगुलर है, लेकिन हम इसको गिन नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि दो आशा है, तीन आशा है, चार आशा है, ये तो फिर आशा नाम की लड़की हो जाएगी, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। आशा का मतलब एक उम्मीद है कि देयर इज अ लिटिल होप ऑफ अ रिकवरी। तो ये क्या है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, और लेकिन सिंगुलर है। तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के आगे अब क्या आएगा, कि मैंने कहा देयर इज अ लिटिल होप, लिटिल आएगा क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल। तो ऐसे ही हमें समझना है कि काउंटेबल के आगे क्या आएगा, अनकाउंटेबल के आगे क्या आएगा। काउंटेबल के आगे जैसे मैनी आएगा, फ्यू आएगा, तो अनकाउंटेबल के आगे मच आएगा, लिटिल आएगा, है ना। तो ये समझना है आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। इसके बाद जैसे कि जो है ईच, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, जैसे ईच वन, जैसे होता है ईच वन टीच वन, ईच की बात हम जब करते हैं तो प्रत्येक एक एक करके, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑल है, ईच वन इज गिवन, यानी कि एक एक करके जब हम दे रहे हैं तो ईच है, और एवरीवन इज इनवाइटेड, हर किसी, जब मैं पूरे समूचे के अर्थ में कह देता हूं तो वहां एवरी है। तो ये समझना है कि दो या दो से आधा है, ज्यादा है, तो हम ईच कहते हैं, और वो भी एक एक करके, जबकि एवरी एक सब होल के सेंस में आता है, दो से ज्यादा के लिए। तो ये आपको समझना है। और ईदर और,
ये ध्यान रखिएगा, अगर और है ऑलरेडी तो आप समझ जाइए कि अगर उसमें डिटरमिनेंस आना है कुछ तो इधर और है और नीदर नॉर है। इधर और का मतलब या ये या वो, तो ऐसे नीदर नॉर का मतलब ना ये ना वो होता है। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, और आप बहुत छोटी चीजें हैं कि दिस का मतलब यह होता है, दैट का वह होता है, दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए। ऐसे प्लूरल में दिस का दीज होता है, जैसे दीज वाइज है ना, विल बी गिवन चांस, तो इन लड़कों को चांस मिलेगा। दो यानी कि दूर के लिए होता है, ऐसे दिस दैट दीज एंड दोज, या वह दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वे, है ना, तो ये भी मतलब ये पता होना चाहिए और इसका यूज। ऐसे अगर मैं पोजेसिव की बात करूँ तो पोजेसिव में जैसे मैंने बताया था कि संबंध की बात है, मैं और मेरा, आई के लिए माई होता है, वी का आवर होता है, यू के लिए यूअर होता है, यूअर यानी कि तुम्हारा, है ना, मेरा हमारा तुम्हारा, अगर ही है तो ही का इज होता है उसका, शी के लिए हर होता है, जैसे किसी लड़की के लिए हर का मतलब भी उसका, और उसे के लिए भी हर, हर दो बार यूज होता है, शी हर हर, यानी कि हर उसका भी और उसे भी, ऑब्जेक्टिव केस में भी हर यूज होता है। ऐसे ही हमें यह भी समझना है कि इस तरीके के पोजेसिव है तो ये भी डिटर्मिनेंस में ही आते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंस के अंदर ज्यादातर तो जो रिपीट होने वाले पेपरों में पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो आर्टिकल है, मच है, मैनी है, फ्यू है, सम है, एनी है, है ना, ये ज्यादातर पेपरों में रिपीट होता है। और कहां कहां मैंने बताया भी आपको, ए और एन को साउंड के अकॉर्डिंग देखिए, द विशेष में देख लीजिए, ठीक है, जहां आपको पता नहीं चल रहा है ए का अर्थ नहीं है वहां पे देखिए। उसके बाद मच जहां पे क्वांटिटी की बात हो रही है, मैनी जहां पे नंबर्स की बात हो रही है, मच का अपोजिट है तो लिटिल है, मैनी का अपोजिट है तो फ्यू है, सम पॉजिटिव सेंस में और एनी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंस में। ये ध्यान रखिए अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं तो एनी और सम में वहां लगा सकते हैं, जहां पॉजिटिव सेंस आ रहा है वहां पे सम आप कर सकते हैं, और जहां पे नेगेटिव सेंस आ रहा है वहां एनी आप इंटरोगेटिव सेंस में भी एनी कर सकते हैं। उम्मीद आपको है क्योंकि बहुत ही इजी कम से कम टाइम में मैंने कोशिश की है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मॉडल्स और कुछ एग्जाम स्पेशल और वन डे बिफोर डालने वाला हूँ, इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। उम्मीद है आपको ये हमारी पहल पसंद आई होगी। थैंक यू।